Hello everyone, in this video I will discuss comparison of PV and TS diagram of various thermodynamic processes. First of all, I will draw for process isochoric, that is constant volume. Here I am drawing PV diagram. And this one is TS diagram. Pressure I am plotting on y-axis and volume on x-axis. Here temperature on y-axis and S on x-axis. हम बात कर लेते हैं यहाँ पर S क्या है आपका. S हमारा एंट्रोपी है. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ एंट्रोपी के बारे में. तो आप एक टर्म यहाँ नोट करिएगा, मैं यहाँ साइड में नोट कर देता हूँ एंट्रोपी. एंट्रोपी होता है आपका डिग्री ऑफ द रैंडमनेस या मेजर ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ अ सिस्टम. आपका सिस्टम में कितना डिसऑर्डर हो रहा है ये हम मेजर करते हैं एंट्रोपी से. तो जैसे हम बात करते हैं सॉलिड मॉलिक्यूल्स की, आप अगर किसी सॉलिड मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, आप इसको एज्यूम कर रहे हैं कि आपका एक सॉलिड है, तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो टाइटली पैक्ड है. तो यहाँ पे जो रैंडमनेस होगा मॉलिक्यूल्स का काफी कम होगा, तो हम बोलेंगे इसमें एंट्रोपी चेंज बहुत नेग्लिजिबल है. सेकेंड, अगर आप किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो आप देखेंगे उनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स का गैप होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा. तो वहां पर जो रैंडमनेस होगा मॉलिक्यूल्स में वो ज्यादा होगा. तो इन कंपैरिजन टू सॉलिड, लिक्विड की जो एंट्रोपी होगी वो ज्यादा हो जाएगी. अगर आप लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं गैस में तो गैस मॉलिक्यूल्स में और ज्यादा गैप रहता है मॉलिक्यूल्स में, तो वहां पर जो रैंडमनेस होगी वो सबसे ज्यादा हो जाएगी. तो आप कंपेयर करें अगर सॉलिड लिक्विड और गैस को, तो गैस की एंट्रोपी चेंज सबसे ज्यादा हो जाता है. तो इसलिए हम यहाँ पर एंट्रोपी की बात करते हैं डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम. तो गैस में आपकी एंट्रोपी चेंज सबसे ज्यादा हो जाएगा. अब बात करते हैं हम एंट्रोपी क्या बता रहा है. तो एंट्रोपी वो थर्मल एनर्जी या उस हीट के बारे में बात कर रहा है जो एनर्जी को हम यूज नहीं कर पा रहे, अनअवेलेबल है फॉर कन्वर्टिंग इन टू वर्क. आपका एंट्रोपी ये हमको बता रहा है. तो ऐसी एनर्जी इसको हम यूज नहीं कर पा रहे वर्क में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं एंट्रोपी. तो यहां पर ये आपका डिनोट किया है मैंने एंट्रोपी, और ये आपका डिनोट किया है यहाँ पर वॉल्यूम, और ये आपका टेम्परेचर और यहाँ पर प्रेशर है. तो अब बात करते हैं एंट्रोपी की फॉर्मूला क्या हो जाता है. चेंज इन एंट्रोपी हम लिखते हैं डी एस इक्वल टू डी क्यू बाय टी, और इसकी यूनिट हो जाएगी आपकी किलो जूल पर यूनिट कैल्विन, क्योंकि आपका टेम्परेचर की यूनिट कैल्विन होती है और हीट की यूनिट किलो जूल या फिर जूल जो भी हम लेंगे. तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे आइसोकोरिक मीन्स कांस्टेंट वॉल्यूम. अगर मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए लाइन ड्रॉ करता हूं तो आपकी लाइन किस तरह से ड्रॉ होगी, वर्टिकल. मैं यहाँ पर दो लाइन ड्रॉ किए हैं, ये आपका मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट ले लेता हूं, ये सेकेंड पॉइंट, यहां पर ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकेंड पॉइंट. आप देखेंगे जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है यहां पर. तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका कूलिंग. यहां पर वन से टू आप ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है, तो आपका क्या होगा यहां पर हीटिंग, हीट ऐड हो रही है यहां पर, और हीट क्या हो रहा है यहां पर रिजेक्ट हो रही है. अब हम बात कर लेते हैं यहां पर कैसे करवाने वाला. तो सबसे पहले इस फॉर्मूले से मैं एंट्रोपी फाइंड कर लेता हूं, स्लोप डिफाइन कर लेता हूं, स्लोप क्या होने वाला है. तो आपको पता होगा कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हम हीट का फॉर्मूला पहले भी ड्राइव कर चुके हैं, जो कि होता है आपका डी एस इक्वल टू एम सी वी डेल्टा टी. एम क्या होता है, मास. तो यहां पर हम पर यूनिट के लिए बात कर रहे हैं, इस पूरे कर्व में हम सिर्फ पर यूनिट के लिए बात कर रहे हैं. तो मैं इसको लिख सकता हूं, ये सॉरी आपका Q का फॉर्मूला है डी क्यू, तो मैं यहां लिख सकता हूं इसको सी वी डी टी. क्या लिख सकते हैं आप, सी वी डी टी, क्योंकि मैं यहां पे सिर्फ पर यूनिट के लिए बात कर रहा हूं. इस फॉर्मूले को मैं यहां पुट कर दूंगा
तो आपका क्या हो जाएगा, टी इंटू डी एस इक्वल टू सी वी डी टी। अब मैं अगर यहां से डी टी अपॉन डी एस निकालना चाहूं, डी टी अपॉन डी एस क्या बताएगा आपको, इस कर्व के लिए स्लोप बताएगा आपको, डी टी अपॉन डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, टी अपॉन सी वी। तो आप देख रहे हैं ये कैसा स्लोप आ रहा है हमारा, पॉजिटिव। तो हमारे यहां जो डायग्राम ड्रॉ होगा वो पॉजिटिव होगा। तो मैं यहां पर कर्व ड्रॉ कर लेता हूं, पॉइंट वन और ये थोड़ा कर्व आपका स्टीपर कर देता हूं मैं, स्लोप ज्यादा आएगा यहां पर, ये मैं ले लेता हूं पॉइंट टू। आप देख रहे हैं वन से जब आप टू पर जा रहे हैं तो यहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है इट मींस ये क्या हो जाएगा आपकी हीटिंग। मैं एक और कर्व ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर, सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, और इस बार आप क्या कर रहे हैं नीचे आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया आपका कूलिंग। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं वन से टू आने पर आपका कूलिंग हो रहा है और यहां पे वन से टू जाने पर हीटिंग हो रहा है। ये हमने स्लोप ड्राइव कर लिए फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस टी अपॉन सी वी। हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो आइसोबैरिक प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर मतलब यहां पर जो आपकी लाइन होगी वो स्ट्रेट ड्रॉ होगी, स्ट्रेट मींस हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होने वाली है। तो ये फर्स्ट पॉइंट ले लेता हूं मैं और ये सेकेंड पॉइंट, यहां पर एक और लाइन में ड्रॉ कर लेता हूं, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया और ये आपका सेकेंड पॉइंट ड्रॉ हो गया यहां पर। अब देखिए जब आप वन से टू पर जा रहे हैं तो आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो यहां पर क्या हो रहा है हीटिंग हो रहा है, यहां पे वन से टू आ रहे हैं वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है आपका कूलिंग हो रहा है यहां पर। ओके, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा है आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए हीट का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, डी क्यू इक्वल टू एम सी पी डी टी। और फिर वही बात मैं यहां कर रहा हूं, मैं पर यूनिट मास के लिए यहां एज्यूम कर रहा हूं, तो मैं एम को यहां पे हटा देता हूं, तो क्या हो जाएगा आपका सीपी इंटू डी टी। अब क्यू की वैल्यू मैं यहां पुट कर देता हूं, डी एस इक्वल टू सीपी डी टी, टी आपका यहां ट्रांसफर हो गया टी इंटू डी एस। यहां से फिर से हम स्लोप का फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे, डी टी अपॉन डी एस इक्वल टू टी अपॉन सीपी। तो आप देख रहे हैं यहां पर जो आपका स्लोप आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो यहां पर भी आपका पॉजिटिव स्लोप ड्रॉ होगा। ये भी मैं वन और टू और ये टू और वन। जब आप वन से टू जा रहे हैं तो यहां पर टेम्परेचर बढ़ रहा है हीटिंग, यहां वन से टू आ रहे हैं टेम्परेचर आपका कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, तो ये हो रहा है आपका कूलिंग। अब आप देख लीजिए मैं यहां पर कंपेयर कर देता हूं कौन सा स्लोप आपका ज्यादा होगा। तो हम कंपेयर कर रहे हैं यहां पे स्लोप ऑफ आइसोकोरिक एंड आइसो बैरिक, इन दोनों को मैं यहां पर कंपेयर कर देता हूं। ओके, तो जब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को तो यहां पे हमें इसके फॉर्मूले लिखना पड़ेगा। आइसोकोरिक का फॉर्मूला हमने क्या ड्राइव किया था, टी अपॉन सी वी, और आइसोबैरिक का फॉर्मूला हमने क्या ड्राइव किया था, टी अपॉन सी पी। आप सभी को पता है एयर के लिए सीपी की वैल्यू ज्यादा होती है, दैट इज 1.005, और सीवी की वैल्यू कम होती है। तो यहां पे अगर ये वाली वैल्यू आपकी कम है तो इस पूरे स्लोप की वैल्यू ज्यादा आएगी और ये वैल्यू ज्यादा है
तो इस पूरे स्लोप की वैल्यू कम आएगी। तो मैं ये बोल सकता हूं स्लोप ऑफ आइसोकोरिक इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ आइसोबैरिक। ओके, तो यहां पर अभी हमने दो प्रोसेस के लिए पॉइंट लिया, ये सेकेंड प्रोसेस था आपका आइसोबैरिक। हम थर्ड प्रोसेस के लिए पढ़ते हैं इसको, थर्ड प्रोसेस हमारा होता है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, थर्ड प्रोसेस की हम बात कर लेते हैं आइसोथर्मल। जब आइसोथर्मल प्रोसेस की हम बात करते हैं तो आपका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा, तो यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक स्ट्रीट लाइन ड्रॉ होने वाली है आपकी। और यहां पर हम पहले ही पढ़ चुके हैं जो कर्व हमने बनाया था, ये कर्व पढ़ा था हमने, यहां पर इस तरह से कर्व पढ़ा था हमने। यहां पर जब आप 1 से 2 जा रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। जब वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। मैं यहां लिख देता हूं एक्सपेंशन। और यहां पर जब 1 से 2 जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम कम हो रहा है मतलब आपका कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कंप्रेशन प्रोसेस। 1 से 2 आइसोथर्मल कंप्रेशन, 1 से 2 आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये हम पढ़ चुके हैं। और यहां पर क्या होता है आपका, इस प्रोसेस में क्या होगा आपका, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो हमारी जो लाइन ड्रॉ होगी वो कैसी होने वाली है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगी। अब देखिए यहां पे मैं आपको समझा देता हूं, पीवी डायग्राम में हमने पढ़ा था वर्क डन इक्वल टू पी इंटू डीवी, पी इंटू डीवी। तो मैं यहां ये बोल सकता हूं कि पीवी डायग्राम के अंदर, इस कर्व के अंदर जो भी आपका एरिया आने वाला है वो आपको क्या बताएगा, वर्क डन। और यहां पर अगर मैं बात करता हूं, जैसे ये मैंने ये ड्रॉ किया है टीएस डायग्राम फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, ये मैंने ड्रॉ किया है और मुझे पता है डी क्यू इक्वल टू क्या होता है हमारा, टी इंटू डीएस। तो टीएस कर्व के अंदर हमारा जो भी एरिया आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, हीट। क्या बोलेंगे हम, हीट, दैट इज डी क्यू। और यहां पर जो भी एरिया आएगा इस डायग्राम के अंदर, जैसे अगर मैं इसको इरेज कर देता हूं, मैं सिर्फ एक्सपेंशन प्रोसेस की बात करूं, तो यहां पर जो भी आपका ये एरिया आने वाला है इस कर्व के अंदर, ये आपका हो जाएगा वर्क डन, वर्क डन। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए, आप नोट कर सकते हैं, दैट इज एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व पीवी इज नोन एज वर्क डन एंड एरिया अंडर कर्व टीएस इज नोन एज हीट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट प्रोसेस की हम बात कर लेते हैं, दैट इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, फोर्थ पॉइंट है आपका ये, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक की आप बात करते हैं तो आपको पता होगा कर्व आपका ये स्लोप जो इसी तरह से बनता है, बस वहां पर आपका थोड़ा स्लोप ज्यादा आ जाता है। और यहां पर टीएस डायग्राम में आपका डिफरेंस आ जाएगा, टीएस डायग्राम में क्या होगा, आप बात कर रहे हैं आइसेंट्रोपिक की, तो आइसेंट्रोपिक में आपका चेंज इन हीट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जब हीट जीरो हो जाएगा तो आपका एंट्रोपी चेंज भी कितना हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। एंट्रोपी चेंज क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। अगर एंट्रोपी चेंज कॉन्स्टेंट है आपका तो हमारी जो लाइन आने वाली है यहां पर कैसी आएगी, वर्टिकल। 1 से 2, तो यहां पर जब 1 से 2 आ रहे हैं तो ये हो रहा है आपका एक्सपेंशन। और जब आप यहां पर 1 से 2 जा रहे हैं तो ये हो रहा है आपका कंप्रेशन। तो आप नोट कर सकते हैं, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एंट्रोपी इज कॉन्स्टेंट, इन आइसेंट्रोपिक प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस
एंट्रोपी, दैट इज चेंज इन एंट्रोपी डीएस इक्वल टू कॉन्स्टेंट. ओके, तो ये हमने यहां पर कंपैरिजन पढ़ा पीवी और टीएस के लिए, डिफिनेट प्रोसेस के लिए. थैंक यू.